सुपौल सदर थाना इलाके में दो अलग अलग लूट की घटना पर पुलिस अधीक्षक शेषव यादव ने खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। एसपी ने बताया कि बीते 7 जुलाई को सदर थाना क्षेत्र के रहमानी चौक के समीप भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड कंपनी के कर्मी से हथियार के बल पर अज्ञात अपराधियों ने 56,889 रुपये लूट लिए थे, जबकि दूसरी घटना 10 जुलाई को सदर थाना क्षेत्र के बेड़िया मन से करीब 200 मीटर पूर्व में IIFL समस्ता फाइनेंस कंपनी के कर्मी से अज्ञात अपराधियों 1,97,000 लूट लिए थे। इस मामले में 3 अपराधियों को लूटी गई 9,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया है। सदर थाना अंतर्गत मुरार गांव के वार्ड नंबर 10 निवासी वकील कुमार साह को पुलिस ने सर्वप्रथम हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पुलिस की टीम ने घटना में प्रयुक्त ब्लू रंग की एक अपाचे बाइक को बरामद किया। वह इसकी निशानदेही पर टीम ने सदर थाना अंतर्गत बेरिया गांव के वार्ड नंबर 11 निवासी आर्यन कुमार उर्फ कन्हैया और सदर थाना क्षेत्र के लोखा ओपी अंतर्गत झोहा वार्ड नंबर 2 निवासी गुड्डू कुमार को हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान ही तीनों अपराधकर्मियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। लूटे गए रकम में से आर्यन की जेब से 9,000 रुपये बरामद की गई है। इन दो घटनाओं के अलावा 13 जनवरी के हुए फाइनेंस कर्मी से बभनी के समीप मोटरसाइकिल एवं मोबाइल की लूट घटना 29 जून को दुबियाही पिपरा खुर्द से एक फाइनेंस कर्मी से 18,600 और बीते 10 मई को परसा गांव के समीप एक फाइनेंस कर्मी से 66,004 रुपये की लूट की घटना में तीनों आरोपी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। सदर थाना क्षेत्र में कुल 5 लूट की घटना में शामिल अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने की बात कही। इनके पास से लूटे हुए 9,000 रुपये, 4 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त एक बाइक को पुलिस ने बरामद किया है। ऑपरेशन में सदर SDPO इंद्र कुमार इंद्र प्रकाश, सदर थाना अध्यक्ष प्रभाकर भारती, अवर निरीक्षक दरवेश कुमार यादव, अवर निरीक्षक प्रशांत कुमार, अवर निरीक्षक राजेश कुमार और प्रभारी DISL एवं टीम पुलिस बल शामिल है। तो इसको सुपौल में रहमानी चौक के समीप लूट की दो घटना घटी थी, जिसमें फाइनेंस कर्मी से पैसा लूटने की बात प्रकाश में आई थी। चूंकि एक दोनों घटनास्थल आसपास है और 2 दिन के अंतराल में घटना घटी थी, तो इसे गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित किया गया। SDPO सदर के नेतृत्व में SHO थे और केस थाना के अंतर अधिकारी थे। वैज्ञानिक अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर जो जानकारी मिली उसमें एक स्थानीय वकील कुमार साह एक अपराधी है जो पहले 2 बार जेल जा चुका है। ये जानकारी मिली कि वही मास्टरमाइंड है और वही घटना को प्लानिंग करता है। उसे पूछताछ के लिए उठाया गया और उसका जो अनुसंधान के क्रम में और भी साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसमें उसने बताया कि आर्यन कुमार उर्फ कन्हैया नाम का अपराधी है, जो कि जिसके घर में कलेक्शन सेंटर है और जहां पर पैसा कलेक्शन किया जाता है, वही सूचना देता है अपराधी को। और आर्यन का भाई है, 2 भाई है, जो कि वो दोनों भी शातिर अपराधी है और अन्य घटनाओं में संलिप्त है, जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, छापामारी चल रही है। तो उसके बारे में बताया गया कि वही जो है सो इसका इन्फॉर्मर है और लाइन देने का काम करता है। आर्यन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार किया और गुड्डू कुमार तीसरा अपराधी है जो ये सब मिलके साजिश रच के घटना को अंजाम देते थे। और पूछताछ के क्रम में और पहले जो साक्ष्य मिले थे उससे यह पता चला कि ये सब मिलके कुल 5 घटनाओं को अंजाम दिए हैं। ये 563/23, 578/23 जो कि जुलाई माह में घटना घटित हुई थी, इसके अलावा 3 घटना में और इन लोगों की संलिप्तता है, 17/2023, 530/2023 और 347/2023। इस प्रकार इन लोगों की गिरफ्तारी से कुल 5 घटना का उद्भेदन हुआ है। 3 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं और इसमें से वकील साहब का आपराधिक इतिहास है, जो कि सुपौल थाना कांड संख्या 623/22 और 789/20 आर्म्स एक्ट में ये जेल गया हुआ है। गुड्डू कुमार भी लूट में 619/21 कांड संख्या में जेल गया हुआ है और इनकी गिरफ्तारी से उस एरिया में अपराध की घटना में कमी आई है और लगातार अनुसंधान जारी है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। और कितने लोग गिरोह के सदस्य थे? और जो जानकारी मिली अनुसंधान के क्रम में, इसमें 2 अपराधकर्मी की और संलिप्त आई है और चूंकि वे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, छापेमारी चल रही है और शीघ्र ही वे सब गिरफ्तार हो जाएंगे। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ, तो 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात में खाने के बाद।